हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल माई एनसीआर टी एंड इंजीनियरिंग क्लासेज टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सेवन दैट इज़ चैप्टर नंबर ट्वेल्व अलजैब्रिक एक्सप्रेशन व्हाट डू यू नो अबाउट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन हमारी जो इक्वेशन रहती हैं वो ए बी सी डी के फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में एल एम एन जो भी हमारे अल्फाबेटिकल रहते हैं उस फॉर्म में हमारी बनी हुई रहती हैं लाइक फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस जेड ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सबको क्या बोलते हैं अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स बोलते हैं अब इन दिस चैप्टर वी कवर दिस टॉपिक्स टर्म्स फैक्टर्स एंड कॉफिशेंट मोनोमियल्स बाइनोमियल ट्राइनोमियल पोलिनोम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर्मूले निकालेंगे हम कुछ पैरामीटर के कुछ एरिया के पैरामीटर के हम तीन फार्मूले निकालेंगे इक्वलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागॉन एरियाज हम निकालेंगे तीन के एक स्क्वायर का एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का सो लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्रेशन बता ही दिए हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई या थ्री एक्स प्लस फोर जेड इस तरीके के हमारे एक्सप्रेशन रहेंगे इस चैप्टर में अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स फैक्टर्स एंड कॉफिशन टर्म्स फैक्टर्स एंड कॉफिशेंट ठीक है तो हम इनको एक एक करके कर समझेंगे पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स टर्म्स क्या होती है जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है फोर एक्स प्लस थ्री बाय इसमें कितने मेंबर्स हैं कितने कितनी फैमिली है एक फैमिली ये रही फिर प्लस आ गया एक फैमिली ये रही तो दो मेंबर्स हुए मतलब दो टर्म्स हुए फोर एक्स एंड थ्री बाय तो कितने टर्म्स होगा यहाँ पे

कोफ़िशियंट मतलब एक्स वाई जेड के आगे वाले जो हमारे नंबर रहते हैं जैसे कि ये x तो x का कोफिशियंट x का आगे वाला तो x का कोफिशियंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर अब y का कोफिशियंट देखिए तो y के आगे कौन सा नंबर है थ्री तो थ्री इज द कॉफिशियंट ऑफ y एंड फोर इज द कॉफिशियंट ऑफ x ओके स्टूडेंट नाउ कम टू द टर्म्स मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियर्ल्स एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे पहले हम देखेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल Monomial किसको कहते हैं मोनोमियल इज अ वर्ड और इज अ एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आए जैसे कि थ्री एक्स या फोर एक्स या फोर वाई या फोर ए एक ही एक्सप्रेशन आना चाहिए वन टर्म आना चाहिए सिर्फ ओनली वन टर्म उसको बोलते हैं मोनोमियल्स अब बाइनोमियर्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आए एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स जैसे कि फोर एक्स प्लस थ्री वाई या फोर ए प्लस थ्री बी माइनस भी आ सकता है फोर एक्स माइनस टू जेड ऐसा भी आ सकता है दो टर्म्स आने चाहिए दैट इज़ नोन एज बायनोमियस अब थर्ड है हमारा ट्राइनोमियर्स ट्राइनोमियस ट्राइनोम थ्री टर्म्स आए फोर एक्स प्लस थ्री बाई प्लस फोर जेड या सेवन एक्स प्लस सेवन बाय प्लस एट जेड या फोर ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी ये तीन टर्म्स आने चाहिए दैट आर नोन एस ट्राइनोमियल नेक्स्ट है हमारा पोलिनोमियल अब पोलिनोमियल क्या होता है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री और मोर नंबर ऑफ टर्म्स तीन और तीन से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ टर्म्स आए जैसे कि फोर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू जेड ये क्या हो गई हमारी पोलोनियोम पोलिनोमियल्स हो गए एक्सप्रेशन बिच कंटेंस थ्री और मोर मोर नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें आएंगी वो क्या होगा पोलिनोमियल्स होगा नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा एडिशन और सब्ट्रेक्शन कैसे करेंगे हम इन लजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो पहले हम देख लेंगे एडिशन का एग्जाम्पल एडिशन मतलब क्या होता है प्लस करना जोड़ना तो एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ेंगे सपोज आपको जोड़ना है थ्री एक्स एंड फोर एक्स को आपको जोड़ना है तो सिंपल थ्री प्लस फोर कितना आएगा जाएगा सेवन एक्स लेकिन आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं थ्री प्लस फोर कॉमन ले लिया और बचा क्या दोनों में कॉमन क्या आया एक्स आया तो थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन एक्स अब हम सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर ले लेंगे या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट भी सेम है आपका फोर एक्स माइनस थ्री एक्स तो x के नीचे फोर एक्स माइनस थ्री एक्स के नीचे x अब यहाँ पे अगर y होता तो y के नीचे y वाला जमा लेते हैं यहाँ पर क्या जाएगा वन एक्स हो जाएगा तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम एडिशन करेंगे इसमें कोई नया प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा बस x के नीचे आप x लिख देना ए बी हो तो ए बी के नीचे ए बी वाई के नीचे y अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो फाइंडिंग द वैल्यू वाला पढ़ रहे हैं अपन फाइंडिंग द वैल्यू फाइंडिंग वैल्यू ठीक है value, value, कैसे वैल्यू फाइंड आउट वैल्यू सपोज आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स प्लस फोर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इन विच एक्स इक्व टू टू वहां पर फिक्स रहेगा ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा हर एक कंडीशन में आपको एक्स इक्व टू टू लगाना है ऐसा क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इक्व टू टू तो एक्स यहाँ पे टू लगाएंगे तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे टू प्लस का प्लस फोर तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सिक्स आ गई ठीक एक्स्पर, है. है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन टू माइनस टू और आपकी एक्सप्रेशन ये है इक्वेशन आपको हुई अब x की जगह क्या रखोगे फोर और x की जगह फोर का फोर x की जगह क्या रखना है माइनस टू प्लस का प्लस टू का टू फोर टू जो माइनस एट प्लस टू अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा प्लस माइनस माइनस होगा टर्म्स किसकी लगेगी जो नंबर बड़ा होगा एट में से एट और टू में से कौन बड़ा है एट बड़ा है एट के साथ माइनस माइनस का टाइम अब कितना आएगा यहाँ पे सिक्स आएगा माइनस का सिक्स ओके तो एडिशन ऐसे फाइंडिंग द वैल्यू ऐसे करते हैं हम जो भी वैल्यू दे रहती है एक्स वाई की वो हम इक्वेशन में वहाँ पे रख देते हैं अब फार्मूलेस अब यहाँ पे आपको तीन फार्मूले पढ़ फार्मूलेस पढ़ना है पैरामीटर के लिए तो पैरामीटर तीन फार्मूले होते हैं पैरामीटर ऑफ क्टरल इक्विलेटरल ट्राइंगल अब ट्राइंगल की कितनी साइड रहती है थ्री साइड रहती है तो थ्री एल ऐसे याद करोगे ठीक है अब पैरामीटर आप देखोगे सबके पैरामीटर लिख रहे हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहती है फोर तो फोर एल एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड से नंबर ऑफ लेंथ ऑफ साइड पेंटागॉन अब पेंटागॉन की कितनी साइड रहती है फाइव तो इसका क्या आएगा फाइव एल अब हम आते हैं एरिया पे एरिया भी अलग अलग के होते हैं पहले हम एरिया देखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड साइड क्या दी है यहाँ पे एल तो एल इंटू एल दैट इज़ एल का स्क्वायर तो फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्व टू एल स्क्वायर अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी इसको ऐसा भी ले सकते हैं एल वी अब लास्ट क्या है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल का क्या होगा बेस इंटू हाइट अपॉन में टू तो बी एच अपॉन में टू हो जाएगा ठीक है नाउर इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ कंप्लीटेड इफ यू हैव एनी क्वायरी एंड आउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज थैंक यू